कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से ऑक्सीजन का 226 सिलेंडर जब्त किया गया। दरअसल जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि कटिहार स्टेशन पर अवैध ऑक्सीजन का सिलेंडर उतारा जा रहा है और इसी सूचना पर जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा। अधिकारियों का कहना है कि यह सिलेंडर किसी सरकारी अस्पताल के लिए ऑर्डर नहीं किया गया था। ऐसे में यह पता करना होगा कि यह किसने मुंबई से यहाँ मंगवाया है। इधर छापेमारी के भनक मिलते ही सिलेंडर के साथ मौजूद लोग भाग निकले। तुम काम कौन है यार? अरे वो अपने आप आ जाएगा भाग के। अरे बजरंग दल नहीं लगा तो लगाएगा, दूसरे को लगाएगा। आपको भी जरूरत पड़ेगा तो किसी को पड़ सकता है भैया। अभी सूचना मिली थी कि जो रेलवे की जो वी आई पी गेट है उसके तरफ से कुछ लोगों ने देखा, जिसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दिया। इसके मार्किंग से देखने से पता चल रहा है कि सिलेंडर 6 KG का है लगभग, और मतलब ये LTT मतलब लोकमान्य तिलक स्टेशन से चली है जो कटिहार के लिए है। इसके मार्किंग से ये भी पता चल रहा है कि ये टोटल जो है पैकेज जो है 226 का है, जिसकी गिनती अभी की जा रही है। अभी तक तो इसके दावेदार नहीं दिख रहे हैं, जितना बोला जा रहा है कि आखिर इस सिलेंडर को किसने मंगवाया कटिहार में और किस कारण से और किस यूजर्स के लिए इतनी मात्रा में सिलेंडर को मंगवाया। क्या माना जा रहा है कि ब्लैक से कहीं ब्लैक होने की भी क्या संभावना थी कि सिलेंडर मंगा के ब्लैक? सभी मामलों में छानबीन की जा रही है। जब तक पूरे मामलों को छानबीन नहीं किया जाता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। रेलवे के अधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है कि इसको गिनती का भी अवलोकन किया जाएगा कि आखिर इसको मंगवाया कौन है, यहाँ इस तरह के बड़े स्तर से इतनी सिलेंडर की आवश्यकता जो है किन लोगों को हो गई। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि रेलवे या जो भी है हमारे सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा मंगवाया नहीं गया।